डियर स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे पोटैटो के डिजीज पे। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है डिजीजेज ऑफ पोटैटो। अब इसके अंदर देखो, अपने सिलेबस के अंदर चार मेन डिजीज है। इसके अंदर सबसे सारी की सारी डिजीज है, इंपॉर्टेंट है। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइटोप्थोरा वाली जो लेट ब्लाइट डिजीज है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन में मेजर डिजीज के तौर पे इसको याद करना है, डिटेल में पढ़ना है इसको अच्छे तरीके से। दूसरा आता है इसके अंदर लीफ रोल डिजीज, एक वायरल डिजीज है। इसके अंदर वेक्टर पूछ सकता है और इसका कोजल ऑर्गेनिज्म पूछ सकता है, और लीफ रोल डिजीज के सिम्टम्स पूछ सकता है, बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है। ब्लैक हार्ट डिजीज है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो इसके बारे में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनता है कि किसकी वजह से होता है। ठीक है, गोल्डन निमेटोड है, इसके सिम्टम्स अपने को याद करने होंगे बस। इसके लिए पोटैटो के पूरे चैप्टर के अंदर अपने सिर्फ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइटोप्थोरा के डिजीज़ को कंप्लीट पढ़ना है ढंग से। इसके इसमें निमेटोड के सिम्टम्स याद करने हैं, इसका सिर्फ कोजल ऑर्गेनिज्म, बाकी इसका इसका पूरा डिस्क्रिप्शन भी दूंगा मैं कि सिम्टम्स और इसका मैनेजमेंट क्या होता है। इसको पढ़ना भी है इतना, बिल्कुल ऐसे नहीं कि इसको सिर्फ इतना ही याद करके छोड़ना है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले बात करेंगे अपने लेट ब्लाइट डिजीज़ पे। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो क्या हुआ था कि जब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज़ होने के बाद में, ऐसा माना जाता है कि लेट ब्लाइट डिजीज़ होने के बाद में जो पैथोलॉजी थी उसका एक जन्म के नाम पे देखते हैं कि इसका पैथोलॉजी का जन्म के नाम पे, यानी कि उसका जन्म वहीं से हुआ था। ठीक है, तो इस डिजीज़ का इतना क्या रोल था कि जिस वजह से इसको ऐसे मानते हैं कि इसमें ये इसको जन्मदाता के रूप में मान लेते हैं इस डिजीज़ को। ठीक है, पैथोलॉजी का, तो इसके अंदर मेन कारण जो है वो फाइटोप्थोरा फंगस है। फाइटोप्थोरा फंगस, इसका आइडेंटिफिकेशन, और ये क्या था कि एपिडेमिक डिजीज़ था कोई टाइम में आयरलैंड के अंदर 1845 के अंदर। उस टाइम में क्या था कि आयरलैंड के अंदर जो यूरोपियन कंट्री है उसके अंदर क्या था कि फाइटोप्थोरा की वजह से इतना ज़्यादा डिजीज़ हो गया था कि वहाँ का जो स्टेपल फूड जो था, उनका आजीविका का मेन जो सोर्स था वो था पोटैटो। तो पोटैटो के अंदर इतना भयंकर डिजीज़ हो गया था कि वहाँ पे पोटैटो का प्रोडक्शन पूरा ही ख़त्म हो गया। तो लोगों में क्या थी, भूखमरी फैल गई, लोग वहाँ से माइग्रेट होने लग गए। तो उस वजह से उसको क्या हो गया कि उस क्षेत्र की, एक पर्टिकुलर रीजन की, उसको क्या बोल दिया था, एपिडेमिक घोषित कर दिया था उस डिजीज़ को। तो इस वजह से क्या था कि उस पैथोजन की पहचान की गई। ठीक है, कुछ रिलीजियस फैक्टर भी इसमें जोड़ दिए गए कि हाँ भगवान की वजह से, या फिर कुछ लोगों के उनके मानना थी कि इस वजह से हो सकता है, भगवान की वजह से हो सकता है। लेकिन बाद में एंटोन डी बेरी ने इसको आइडेंटिफाई किया था एज ए फंगस, क्या माना था इसको, एक बायोटिक फैक्टर एज ए फंगस, एज ए कोजल ऑर्गेनिज्म, यानी कि मुख्य जो रोग का कारक माना था वो फाइटोप्थोरा का पहचान करके उसने बताया। ठीक है, तो इसके कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस थी। उसके अंदर आयरिश फेमाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना है। आयरिश फेमाइन कब हुआ था और किस वजह से हुआ था? आयरिश फेमाइन 1845 आयरलैंड का काल बोलते हैं, और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से हुआ था। ये ट्रू फॉल्स के अंदर भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और ब्लैंक्स में भी आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, 1.5 मिलियन पीपल्स माइग्रेट हो गए थे, 1.5 मिलियन पीपल्स डेथ हो गई थी उनकी। ठीक है, किस वजह से? भूखमरी की वजह से, स्टारवेशन की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद में क्या था, माइक्रोबियल जो ओरिजन इसका पहचाना था। सबसे पहले फाइटोप्थोरा की पहचान किसने की थी? एंटोन डी बेरी ने 1853, उसके 7-8 साल बाद में इसको आइडेंटिफाई किया था। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले इसको नीलगिरी हिल में रिपोर्ट किया गया था, नीलगिरी हिल में इसको सबसे पहले पहचाना गया था। अब उसके बाद में इसमें मेन देखो क्या होता है, फाइटोप्थोरा डिजीज लेट ब्लाइट पोटैटो के अंदर क्या होता है, पोटैटो और टमाटो दोनों के अंदर होता है। अर्ली और लेट दो टाइप की होती है ब्लाइट। ठीक है, तो लेट ब्लाइट फाइटोप्थोरा से होता है, जैसे अर्ली ब्लाइट क्या होता है, एक अल्टरनेरिया फंगस से होता है। तो ये भी एक फंगस है। ये इन्फेक्शन जो होता है वो सिस्टेमिक टाइप का इन्फेक्शन होता है। सिस्टेमिक टाइप का इन्फेक्शन मतलब समझते हो कि जहाँ से इसने एंट्री की उसके बाद में पूरे पौधे के अंदर फैल जाता है, अचानक से पूरे पौधे के अंदर। पहले जो सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, फिर जब जो इसका जो लीफ होगी उस पे अचानक से सिम्टम डेवलप होंगे, फिर उसका इन्फेक्शन इतना फैल जाएगा कि उसको कंट्रोल करना उतना ही टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो सिम्टम्स में इसमें कुछ भी नहीं है, ब्लाइट है तो ब्लाइटेड अपीयरेंस होगा। तो ब्लाइट का मतलब हो गया पौधा क्या दिखाई देगा उसमें, झुलसा। कैसा होगा? झुलसा। झुलसा हुआ मतलब ऐसे लगेगा जैसे उस जल गया होगा पौधा। ठीक है, हरे पौधे को जब जला देते हैं तो उसके ऊपर जैसा सिम्टम दिखाई देता है तो उस प्रकार को क्या बोल देते हैं अपने, ब्लाइट। ब्लाइट जो होता है किस टाइप का सिम्टम है, नेक्रोसिस टाइप का सिम्टम है। एक ब्रॉड जो क्लास होती है वो होती है नेक्रोसिस।
कि नेक्रोसिस होना मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, नेक्रोसिस होना मतलब डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू, टिश्यू की जो डेथ हो जाती है, तो वो टिश्यू क्या होता है, ब्राउन या ब्लैक कलर, ग्रे कलर, डिफरेंट कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस चीज़ को अपने क्या बोल देते हैं, उसको बोल देते हैं नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस का रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है, ब्लाइट। नेक्रोसिस का रिजल्ट क्या होता है, ब्लाइट, ब्लाइट, ब्लास्ट, एंथ्राक्नोज, ये सब चीज़ें सिम्टम्स किसके अंदर आते हैं, नेक्रोसिस वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो नेक्रोसिस का मतलब उस भाग की मृत्यु हो जाना, मृत्यु होने के कारण क्या होगा, या तो वहाँ पे टॉक्सिन होगा या कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शन होगी जो डायरेक्ट सेल पे अटैक करेगी, और लाइक उस पे अटैक करने के बाद में टॉक्सिन की वजह से उसको पूरा सेल को ख़त्म कर देती है। और उसके बाद में जो क्या होता है, जो सेप्रोबिक नेचर के होते हैं वो तो क्या करते हैं, डायरेक्ट न्यूट्रिशन उसे लेते रहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार ये फंगस क्या करेगी, सेप्रोबिक नेचर के होने की वजह से ये क्या करेगी, उससे न्यूट्रिशन लेती रहेगी डेड पार्ट से, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, एक चीज़ देखो, अब इसमें पहला जो सिम्टम्स होगा, इसकी पत्तियों पे जो लीफ, सबसे पहला जो सिम्टम दिखाई देगा वो दिखाई देगा पत्ती पे। तो लीफ जो होगी, लीफ के ऊपर क्या होगा, जैसे इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन में इसका सीधा सा प्रोसेस है कि जब इन्फेक्शन शुरू कहाँ से होता है, जैसे लेट ब्लाइट जो हुई थी आयरलैंड में, अकाल पड़ने का मेन कारण था जब फर्स्ट टाइम जब डिजीज़ का डेवलपमेंट हो गया, तो फर्स्ट टाइम में डिजीज़ डेवलपमेंट होने के बाद में इतना इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, उस वजह से क्या था कि लोगों ने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। फिर क्या हुआ कि जब इसके लिए मेन कंडीशन जो क्या होती है, इसके लिए मेन फैक्टर काम करता है इसकी फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन जो पैथोजन को ग्रोथ करने में मदद करती है, जैसे हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी मतलब 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, या फिर मोर देन 90%, 90% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्लाउडी वेदर, ठंडा, कूल और क्लाउडी वेदर, कूल का मतलब 18 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट, ठीक है। तो वैसे तो इसके अलग अलग रेंज के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से 13 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रोथ जो टेम्परेचर होता है वो ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में इसका ग्रोथ होना रुक जाता है फंगस का। तो अब इसके अंदर क्या था, फेवरेबल कंडीशन। तो जहाँ आयरलैंड के जो लोग थे या फिर जो यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे, तो वो क्या करते थे कि जैसे ही पोटैटो की हार्वेस्टिंग की, तो वो जब स्टोर करते थे तो स्टोर भी किस में करते थे, सोइल के अंदर गड्ढा बना के उसको ढक देते थे, यानी कि पिट बना के, सोइल के अंदर पिट बना के उसमें स्टोर कर देते थे। तो उस टाइम क्या था कि सोइल के अंदर इन्फेक्शन था या फिर इन्फेक्टेड ट्यूबर थे, तो वो ट्यूबर एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने की वजह से ऐसा था कि एक सीजन तक उन्होंने उसको दबा के रखा, जब उनको ज़रूरत पड़ी तो उस हिसाब से वो निकाल लेते थे, जब सोविंग करते थे तो उसी पोटैटो की सोविंग कर देते थे। तो उस टाइम क्या हुआ था कि वो धीरे धीरे, वो जब फेवरेबल कंडीशन आ गई थी और इन्फेक्शन क्या था कि वो स्टोरेज प्रैक्टिस की वजह से क्या था, इन्फेक्शन एक पोटैटो से दूसरे पोटैटो के अंदर इन्फेक्शन आ गया उस वजह से, ठीक है। तो मतलब सब पे कंटामिनेशन हो गया, और जब उस पोटैटो को उन्होंने दोबारा उनकी सोविंग की और ऊपर से कंडीशन क्या हो गई थी, फेवरेबल, तो उस टाइम में क्या था कि जितने भी फील्ड थे सारे के सारे एक साथ झुलस गए। तो वो उस टाइम क्या था कि ब्लाइटेड, उस वजह से क्या था, पूरे फील्ड जो थे उनमें ब्लाइटनिंग होने की वजह से पूरा का पूरा प्रोडक्शन ख़त्म हो गया, क्योंकि सब पौधों में इन्फेक्शन हो गया था, तो इसलिए उसको क्या बोल दिया था, एपिडेमिक। तो ये इसका मेन फैक्टर रहता है फेवरेबल कंडीशन का, ठीक है। फैलता किससे है, सबसे पहले ट्यूबर से फैलेगा, ठीक है। तो ट्यूबर के अंदर इन्फेक्शन होता है तो ट्यूबर से इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, या फिर सोइल के अंदर इसका जो ऊस पोर रहता है तो उस वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सबसे पहला जो सिस्टम इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही ट्यूबर से इन्फेक्शन आया, पौधे में फैला, तो वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले लीफ पे दिखाई देगा। तो लीफ के ऊपर क्या बनेगा, इसमें वाटर सॉक्ड लीजन्स बनेंगे, अपर सरफेस पे बनेंगे वाटर सॉक्ड लीजन्स, लोअर सरफेस होगी उस पे क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब मोस्ट कंडीशन रहती है, या फिर थोड़ी सी वेटनेस रहती है लीफ की, तो उस टाइम में क्या होगा, उसकी लोअर सरफेस पे फंगस की छोटी छोटी ऐसे हल्की 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 ग्रोथ दिखाई देगी, वाइट माइसिलियल ग्रोथ दिखाई देती है। तो वो क्या होती है, उसकी फंगस के स्पोरेंजियो और स्पोरेंजियोफोर्स होते हैं। अब उसके बाद में क्या, इन्फेक्शन लीफ से कहाँ चला जाता है, जैसे कंडीशन फेवरेबल होती रहती है तो वो सिस्टेमिक इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन लीफ के फैलने के बाद में फिर वापस कहाँ चला जाएगा, पोटैटो के अंदर, यानी कि ग्राउंड पार्ट पे चला जाएगा। तो वो बाद में क्या करेगा, पोटैटो के अंदर भी, उसके अंदर जैसे ट्यूबर बनने स्टार्ट होंगे तो इन्फेक्शन कहाँ आ जाएगा,
ट्यूबर्स के अंदर आ जाएगा और ट्यूबर्स की पूरी क्या कर देगा, रोटिंग कर देगा, या फिर इनकी भी क्या हो जाती है, इन पे भी ब्लैक कलर के धब्बे बन जाते हैं काले रंग के, तो वो भी क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर सीधा सा सिम्टम है कि वाटर सॉफ्ट स्पॉट्स बनेंगे पत्ती पे, जो नीचे की पत्तियाँ होती है उस पे सबसे पहले स्टार्ट होगा, और जो स्पॉट बनने स्टार्ट होते हैं वो मार्जिन से, टिप से स्टार्ट होंगे, ब्लाइटेड अपेयरेंस जो होगी वो टिप से स्टार्ट होगी। ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन में स्पॉट क्या होंगे, इनलार्ज होंगे और ब्लाइट ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होगा, जितनी ठंड रहती है, टेम्परेचर लो रहता है, मॉइस्ट कंडीशन ज़्यादा रहती है, तो उस टाइम में क्या होगा, व्हाइट और ग्रेज कलर की स्पेद और दूसरे रंग की क्या होगी, लोअर सरफेस पे फंगस की ग्रोथ दिखाई देने लग जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, जब पत्तियाँ पूरी की पूरी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, मतलब पत्तियाँ नष्ट हो जाती है, तो पत्तियों के नष्ट होने के बाद में इन्फेक्शन कहाँ चला जाता है, ट्यूबर्स के अंदर चला जाएगा, और ट्यूबर्स में इन्फेक्शन आने के बाद में क्या होगा, ट्यूबर का स्मॉल साइज हो जाएगा, ट्यूबर के नंबर घट जाएंगे, यानी कि प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और दूसरा ट्यूबर के ऊपर क्या होगा, पर्पलिश ब्लैक एरिया डेवलप हो जाएगा, ब्लैक कलर और या पर्पल कलर का एरिया डेवलप हो जाएगा। तो इसके अंदर सिम्टम देखो, ये जो है इसमें पिक्चर में, इसमें देखो कहाँ से, मार्जिन से यानी कि टिप से क्या होगा, ब्लैक कलर का, या फिर ये इसको बोलते हैं वाटर सॉक्ड, वाटर सॉक्ड लेजन में, मतलब जैसे जैसे लगता है कि पानी का एक धब्बा दिखता है, तो ये जैसे जैसे इसका फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये जैसे जैसे फैलता जाता है, और लोअर सरफेस पे क्या होगा, फंगल ग्रोथ दिखाई देती है, ये जो वाइट वाइट ग्रोथ होती है ये फंगस की ग्रोथ होती है, ये मॉइस्ट कंडीशन या फिर अर्ली मॉर्निंग में इसको देखते हैं तो ये दिखती है। जैसे इन्फेक्शन ट्यूबर पे आता है तो ट्यूबर के अंदर ऐसे ब्लैक कलर के धब्बे बन जाते हैं, तो इनकी रोटिंग हो जाती है, तो ये इसका ब्लाइट का सिम्टम। फेवरेबल कंडीशन में एक तो ये फैक्टर मोर देन 90% ये तुम्हारे ब्लैंक और इसमें ट्रू फॉल्स या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि लेट ब्लाइट और पोटैटो के लिए 90% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़रूरत होती है या फिर उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है, तो ये इसके लिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, या फिर इसमें ब्लैंक्स बन सकता है, या फिर इसमें पूछ सकता है कि फेवरेबल कंडीशन फॉर लेट ब्लाइट और पोटैटो -- 90% 90% से ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी और 13 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो ये इसकी फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, जूस पोर बनते टाइम कितना चाहिए, 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड, और जर्म ट्यूब जर्मिनेशन तक इसको क्या चाहिए, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जूस पोर के जर्मिनेशन के टाइम में इसको 24 डिग्री और जूस पोर बनते टाइम इसको 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। सर्वाइवल कहाँ करेगा, ट्यूबर के अंदर करेगा, ट्यूबर जो स्टोरेज के अंदर चला गया तो उसके अंदर भी इन्फेक्शन रहेगा, उसके अंदर माइसीलिया रहता है फंगस का, तो वो उसमें लंबे टाइम तक डोरमेंसी के अंदर उसमें बना रहेगा, जैसे उसकी सोइंग करेंगे तो उसमें इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगर प्लांट के अंदर इन्फेक्शन था और उसका कोई पार्ट सोइल के अंदर है, या फिर कोई ट्यूबर सोइल के अंदर है, या जो इन्फेक्टेड है, तो सोइल के अंदर इन्फेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब पहले से उसमें इन्फेक्शन रहेगा। दूसरी चीज़, उसके अंदर एक कंडीशन ऐसी रहती है कि उसमें हेटेरोथेलिक फंगस होती है, तो उसमें क्या होता है कि दो टाइप के माइसीलियम चाहिए इसको, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो टाइप का माइसीलियम चाहिए, जैसे मानो A1 और A2 डिफरेंट टाइप के माइसीलियम होंगे, दोनों के बीच में मेटरिंग होगी, या फिर इसके अंदर दोनों टाइप के माइसीलियम जो होंगे उसमें क्या बनेगा, अलग अलग टाइप के, उनमें मेल और फीमेल जो इसका जो पार्ट होगा वो डेवलप होगा, उसके बाद मेटिंग होकर उस सोइल के अंदर क्या बना देगा, उस पोर बना देगा, जिस वजह से उसके अंदर सोइल में लंबे टाइम तक फंगस सर्वाइव करती रहती है। तो मेनली जो रहता है वो रहता है डोरमेंट माइसीलियम के तौर पर। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन होगा ट्यूबर से होता है, इन्फेक्टेड ट्यूबर से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये सिस्टमिक ग्रोथ होती है, इसके अंदर सिस्टमिक इन्फेक्शन चला इसमें कंटिन्यूस रहेगा। उसके बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है जूस पोर से, सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है जूस पोर से। तो ये जो फाइटोफ्थोरा फंगस के अंदर क्या होता है, देखो फाइटोफ्थोरा फंगस जो होती है कौन सी क्लास में आती है, क्लास ओमाइसीट्स, तो ओमाइसीट्स क्लास होती है। तो सेक्सुअल स्पोर जो बनता है इनके अंदर क्या बनता है, सेक्सुअल स्पोर तो बनेगा इनके अंदर ऊ स्पोर, और जो एसेक्सुअल स्पोर बनते हैं वो क्या बनते हैं इसके अंदर, वो बनते हैं इसमें जू स्पोर्स भी कैसे, बाईफ्लेजिलेट मतलब दो कसाबिक होते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो जैसे इनमें स्पोर बनते हैं तो इस टाइप के स्पोर बनते हैं, उस स्पोर जो होता है वोल वाला स्ट्रक्चर होता है, रेस्टिंग जो स्ट्रक्चर रहती है वो बनती है। ठीक है, सेक्सुअल स्टेज के अंदर। अब इसके बाद में क्या है, इसमें ओमाइसीट्स क्लास हो गई,
और जैसे डाउनी मिल्ड्यू फंगस में बनता है वैसे इसी प्रकार से इसमें बनेगा। इसमें क्या बनते हैं, स्पोरेंजिया बनेगा जिस पे ऐसे ब्रांच बनेगी और उस पे क्या बनेंगे, स्पोरेंजियो फोर्स बनेंगे। स्पोरेंजियो फोर्स पे क्या बनेंगे, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजियो फोर्स पे क्या बनेंगे, स्पोरेंजिया। और लेमन शेप, लेमन शेप मतलब नींबू के जैसे क्या बनेंगे, इसमें स्पोरेंजिया बनेंगे। और स्पोरेंजिया जो होगा, एक स्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे, बहुत सारे जूस पोर्स बनेंगे। तो ये जूस पोर जैसे रिलीज होंगे तो ये क्या करेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन करेंगे। ये क्या करेंगे, सेकेंडरी इन्फेक्शन करेंगे। सेकेंडरी इन्फेक्शन किसके थ्रू होगा, ये हवा के साथ में और पानी के साथ में, वाटर या फिर रेन, तो इसके साथ में एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे। पौधे की अगर लीफ के ऊपर, जैसे मानो लीफ थी तो लीफ के ऊपर अगर जूस पोर, इसके ऊपर सॉरी स्पोरेंजिया जैसे बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर जूस पोर बन गए, या फिर जूस पोर नहीं हो तो उसमें जो स्पोरेंजिया बनते हैं, जैसे लोअर सरफेस पर स्पोरेंजिया बनते हैं, तो ये स्पोरेंजिया क्या होता है, पानी के साथ में तैर के पौधे के जड़ों तक पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद में इन्फेक्शन आ जाता है ट्यूबर के अंदर। तो इस प्रकार से इसका लाइफ साइकिल चलता रहता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसमें था सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे होगा, विंड और वाटर के साथ में जूस पोर से हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसके अंदर मैनेजमेंट देखो, इसमें लाइफ साइकिल देखो, इसका डिजीज साइकिल बना के बता देता हूँ मैं। डिजीज साइकिल में क्या लिखे हैं, सबसे पहले इन्फेक्टेड ट्यूबर, इन्फेक्टेड ट्यूबर और डोरमेंट माइसीलियम इन ट्यूबर। ट्यूबर के अंदर क्या रहता है, डोरमेंट माइसीलियम रहता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, एज प्लांट ग्रो माइसीलिया और फंगस ग्रो सिस्टेमिकली, उसके अंदर आंतरिक भाग में फैलते रहेगी। मतलब जैसे ट्यूबर में इन्फेक्शन था, प्लांट ग्रोथ करेगा तो फंगस का माइसीलियम भी ग्रोथ करता जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स डेवलप ऑन लीव्स एंड फंगस प्रोड्यूस स्पोरेंजिया। फंगस में क्या बनेगा, स्पोरेंजिया बनेगा। स्पोरेंजिया क्या करेगा, इसके अंदर जैसे ही स्पोरेंजिया डेवलप होता है तो स्पोरेंजिया रिलीज एंड रीच ऑन न्यू प्लांट, नए प्लांट पे स्पोरेंजिया पहुंचेगा, ठीक है। तो नए प्लांट पे स्पोरेंजिया पहुंचेगा तो न्यू प्लांट पे क्या करेगा, सिम्टम्स डेवलप ऑन न्यू प्लांट, नए प्लांट पे इन्फेक्शन हवा से फैल जाता है सीधा, ठीक है। तो उस पे भी क्या बन जाएंगे, वापिस स्पोरेंजिया बनेगा और उससे क्या बन जाएगा, जूस पोर बन जाएगा या फिर वैसे ही उसके ऊपर ग्रोथ होता रहेगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर लाइफ साइकिल जो चलता रहता है वो सेकेंडरी लाइफ साइकिल हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी इन्फेक्शन या सेकेंडरी लाइफ साइकिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा, ये जो स्पोरेंजिया बनेगा या फिर इसके अंदर प्लांट के अंदर क्या होगा, इन्फेक्शन रीच ऑन ट्यूबर, ट्यूबर में इन्फेक्शन पहुंचेगा और फिर वो वापस कहाँ चला जाएगा, सोइल के अंदर। तो ये इसका लाइफ साइकिल हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है। तो ये जूस पोर और उस पोर का इसमें इतना बड़ा रोल नहीं है। अगर पहली बार इन्फेक्शन होगा, अगर अपने हेल्दी ट्यूबर होता है तो अगर सोइल के अंदर पैथोजन रहता है तो सोइल बोन डिजीज है वैसे तो, इसमें लेट ब्लाइट पोटैटो जो होती है वैसे तो फाइटोप्थोरा जो फंगस होता है, सोइल बोन डिजीज भी है ये और इन्फेक्टेड ट्यूबर से भी होती है। तो एक प्रकार से सीड का भी इन्फेक्शन हो गया, प्लांटिंग मटेरियल से भी ये फैलता है और सिस्टेमिक डिजीज होती है इसका, बस ये ध्यान रखना है। मैनेजमेंट में क्या है, इसमें फील्ड सैनिटेशन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपना फील्ड जो होता है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इन्फेक्टेड ट्यूबर होते हैं उसको नष्ट कर देना चाहिए, ठीक है। डिजीज फ्री ट्यूबर यूज करना चाहिए अपने को, ठीक है।
प्रोटेक्टिव फंजीसाइड रिकमेंडेड बाय ब्लाइट कास्ट, रिकमेंडेड बाय ब्लाइट कास्ट। ब्लाइट कास्ट इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ब्लाइट कास्ट क्या होता है, एक फोरकास्टिंग सिस्टम होता है। ब्लाइट कास्ट जो होता है वो फोरकास्टिंग सिस्टम होता है, कहाँ पे, जहाँ पे आलू की पैदावार होती है या फिर जो पोटैटो प्रोड्यूसिंग एरिया जो होता है उसके अंदर क्या होगा, ये एक ब्लाइट कास्ट जो होता है हिमाचल वाला जो रीजन है उसके अंदर इसमें क्या होता है। जैसे ब्लाइट कास्ट एक ऐसा सिस्टम है कि ये कंप्यूटर सिम्युलेटेड सिस्टम है, यानी कि इसके अंदर ऐसे डाटा फीड कर देते हैं जिस आधार पे इसका अनुमान लग जाता है कि पूर्वानुमान जिसको बोलते हैं, तो डिजीज़ का पूर्वानुमान होने की वजह से अपने क्या कर सकते हैं, फसल को, अपने फार्मर को इस चीज़ को फॉरवार्न कर देते हैं, उनको चेतावनी दे देते हैं कि आपको ये फंजीसाइड अपने को यूज़ करने और कौन से होने चाहिए, वो प्रोटेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्टिव मतलब पहले से प्रोटेक्ट करके चलने वाले, थेरेप्यूटेंट जो बाद में उसको डिजीज होने के बाद में जो काम में लिए जाते हैं उसके ट्रीटमेंट में। तो ब्लाइट कास्ट जो सिस्टम होता है एक फोरकास्टिंग सिस्टम है, कौन सी डिजीज के लिए डेवलप किया गया है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। बोर्डो मिक्सर, बोर्डो जो कॉपर जो फंजीसाइड है इसके ब्लाइट के, लेट ब्लाइट के अगेंस्ट में बहुत इसके लिए सक्सेसफुल है इसमें, तो इसका क्या करते हैं, बोर्डो मिक्सर करते हैं अपने यंग क्रॉप जो होती है उस टाइम में, तो उसका होता है 0.8% का सॉल्यूशन, और अगर पुरानी फसल है तो उसके अंदर ओल्ड हो गई तो उसके अंदर क्या करते हैं 1.2% का 2 से 3 स्प्रे करते हैं विद 15 डेज इंटरवल। ठीक है, मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं 0.25% का, 2 स्प्रे करते हैं अपने मेटालेक्जिल और मैंकोजेब के मिक्सर का 0.2% के फॉर्मुलेशन का। रेजिस्टेंट वेराइटी है, इंपॉर्टेंट है, कुफरी नवीन और कुफरी स्वर्णा, तो ये कुफरी स्वर्णा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा इससे, तो ये इसका हो जाएगा मैनेजमेंट। अब इसके अंदर क्या करते हैं, जैसे सर्टिफाइड सीड अपने को यूज़ करने चाहिए, वैसे तो इसके क्या करते हैं जो पोटैटो को सीड यूज़ करते हैं तो वो सर्टिफाइड सीड होने चाहिए उसको, कि उसमें इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में आता है पोटैटो लीफ रोल वायरस। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसमें ज़्यादा वायरल डिजीज है, इसके अंदर बस अपने को मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है इसमें। ठीक है, सिम्टम जैसा नाम है वैसा ही इसका सिम्टम होगा। लीफ रोल वायरस मतलब रोलिंग ऑफ लीव्स, रोलिंग ऑफ लीव्स, पत्तियां जो होगी वो घूम जाएगी और पौधे में पीलापन आ जाएगा, पौधा बोना रह जाएगा, तो ये बस 3 या 4 सिम्टम होंगे मुश्किल से। तो इसमें क्या होगा, स्लाइट रोलिंग ऑफ लीव्स, हल्की सी उसमें क्या होगा पत्तियों में इनिशियल सिम्टम में हल्का हल्का क्या दिखाई देगा, घुमावदार हो जाएंगी पत्तियां, घूमने लग जाएगी, और क्या होगा लीव्स आर ड्राई एंड ब्रेटल, ड्राई हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे उसमें सिम्टम्स आगे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो उसमें क्या होगा कि पत्तियां पहले घूमेगी, घूमने के बाद में क्या होगी वो धीरे धीरे सूखने लग जाएगी, सूखने के बाद में वो ब्रेटल हो जाएगी, मतलब ऐसे हाथ लगाने से, मतलब ऐसे कड़ी हो जाएगी हाथ लगाने से, बिल्कुल पाउडर बन जाएगा ऐसा, सूख जाएगी। ठीक है, और पेपरी फील, पेपरी मतलब ऐसे पेपर जैसे ऐसे फील होगी, मतलब ऐसे टाइट टाइट इसकी सरफेस बिल्कुल पेपरी हो जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, प्लांट में स्लाइट येलोविंग दिखाई देगी और पत्ती जो होगी ऊपर की ओर कर्लिंग हो जाएगी, अपटर्निंग मतलब कर्ल अंदर की ओर घूमने लग जाएगी, अपटर्निंग ऑफ द लीव्स ऑफ द अपर लीव्स, ऊपर की जो पत्तियाँ होती है जो टॉप लीव्स होती है उनके अंदर क्या होगा ऊपर की तरफ इसे घुमाव पैदा हो जाएगा। ठीक है, प्लांट ग्रोथ कैन बी रिड्यूस और स्टंटेड, पौधे की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाएगी, पौधा छोटा रह जाएगा, तो ये इसका डिजीज का सिम्टम था। मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि ये डिजीज जो ट्रांसमिट होती है उसका ध्यान रखना है, इसका ट्रांसमिशन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, एफिड, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में पूछेगा पक्का कि पोटैटो लीफ रोल वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय एफिड, इसको सीधा एफिड याद रखो, तो एफिड भी सही, अगर इसका साइंटिफिक कोई नाम याद कर सकता है तो मायजूस पर्सिकी, ये भी याद कर लेना, दोनों इसके लिए जैसा याद रहे, एफिड सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट तो यही है कि इम्पोर्टेंट यही है कि इसको एफिड लिख देना तो भी इसमें मार्क्स नहीं कटेंगे, किसी को ज़्यादा लिखना है तो वो मायजूस पर्सिकी भी लिख देना। ठीक है, अक्टूबर और फरवरी मंथ के टाइम में एफिड वेक्टर की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे थोड़ी कंडीशन, सर्दी की क्रॉप है तो कंडीशन क्या होती है थोड़ी वार्म होती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उस वजह से उसमें इन्फेक्शन फैलने के चांस रहते हैं, स्प्रेडर क्योंकि ट्रांसमिट ही करता है तो इस वजह से पौधे में डिजीज फैल जाती है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, इसमें मैनेजमेंट देखो, ये तो इसका मेन फैक्टर जो था वेक्टर, तो इसमें डिजीज कंट्रोल वायरस के लिए ना तो कोई केमिकल यूज कर सकते हैं अपने,
और ना उसको डायरेक्ट अपने किल कर सकते, तो उसको क्या कर सकते हैं, अपने डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं। मैनेज किस हिसाब से करेंगे कि अपना जो लॉस जो होता है उसको अपने रिड्यूस कर सकते हैं। 50-60% लॉस हो जाता है इस डिजीज़ से, तो अपने क्या लॉस को कम करने के लिए अपने क्या करेंगे, प्लांट की स्पेसिंग का ध्यान रख सकते हैं, वेक्टर कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड का ध्यान रख सकते हैं, इन जो अपना सीड जो यूज कर रहे हैं उसका ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसेज जो मिलाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं अपने, मैनेजमेंट बोल देते हैं। ठीक है, मैनेज करना इन सब चीज़ों को, हेल्दी सीड यूज करना है और सर्टिफाइड सीड यूज करना है। ठीक है, हेल्दी सीड मतलब ऐसा ऐसा सीड जो कि ऐसे लगे कि अपने को इसमें इन्फेक्टेड पौधे का जो ट्यूबर होता है ना वो अपने काम में नहीं लेना। इसका मतलब ये कि जो पौधा इन्फेक्टेड हो गया उसको अपरूट करके रिमूव कर देना चाहिए, फील्ड से हटा देना चाहिए, उसको जला देना चाहिए। क्योंकि इन्फेक्टेड प्लांट का अगर ट्यूबर अपने बो दिया दोबारा तो उसके मतलब उसका मतलब ये हो गया कि बार बार उसमें इन्फेक्शन आता रहेगा। रेजिस्टेंट वेराइटी अपने यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टेड प्लांट एंड वीड और वॉलंटियर प्लांट। सेल्फ सोवन जो प्लांट होते हैं अपने आप उगने वाले पौधे, वीड खरपतवारों को हटा देते हैं और दूसरा इन्फेक्टेड प्लांट को फील्ड से हटा देते हैं। ठीक है, इंसेक्टिसाइड है जो इंसेक्टिसाइड इन अर्ली फेज ऑफ क्रॉप। इंसेक्टिसाइड जो अर्ली फेज मतलब इंसेक्टिसाइड का ये है कि वेक्टर कंट्रोल के लिए, तो अर्ली फेज मतलब ऐसे जो टाइम होता है वेक्टर के लिए, जो वेक्टर पॉपुलेशन बढ़ने का जब टाइम होता है या फिर रैपिड के अपीयरेंस जब होती है तो उस टाइम में अपने को इंसेक्टिसाइड की 1-2 स्प्रे कर देनी चाहिए। तो उसमें क्या कर सकते हैं अपने, जैसे एसीफेट एफिड कंट्रोल के लिए या फिर डाई मेथड का ये 3 ग्राम पर लीटर और ये 2 ml/L के डोज से अपने इसमें कंसंट्रेशन से स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डिजीज ब्लैक हर्ट का मतलब काला हृदय। आलू के अंदर सबने देखा है ब्लैक हर्ट कैसा होता है, आलू को कभी देखते हैं तो स्टोरेज के जब पोटैटो मार्केट के अंदर आते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, इंटरनल जो पार्ट होता है उसमें एक केविटी बनी होती है। केविटी मतलब ऐसे गड्ढा बन जाता है, खोखलापन आ जाता है और वो भाग हो जाता है बिल्कुल काला। तो वो जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक हर्ट। वो जो होता है वो ये जो पोर्शन होता है पूरा का पूरा ऐसे ब्लैक दिखाई देता है, तो इसको क्या बोल देते हैं अपने, ब्लैक हार्ट डिजीज। तो ये सीधा सा है, सबने भी देखा है और वो कई बार क्या होता है, इन्फेक्शन आउटर लेयर तक आ जाता है तो उसके बाहरी भाग पर भी इसके सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसका मेन कारण क्या होता है, हाई टेम्परेचर फील्ड कंडीशन के अंदर कौन सी काम करेगी, हाई टेम्परेचर और स्टोरेज के अंदर काम करता है पुअर वेंटिलेशन। पुअर वेंटिलेशन मतलब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी से भी ये डिजीज हो जाती है। और क्या चीज़ होती है कि अगर सोइल के अंदर कैल्शियम की कमी है तो उस वजह से भी इसके अंदर क्या होता है, डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है कि सोइल के अंदर भी इसमें अगर प्रॉपर उसमें फील्ड का अगर प्रॉपर उसमें ध्यान नहीं रखते तो उसमें क्या होता है, इरिगेशन फ्लडिंग वगैरह करते हैं तो उस टाइम में क्या होता है उसका, या फिर ड्रेनेज नहीं होता तो उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, यानी कि सोइल के अंदर ऑक्सीजन होती है वो कम हो जाती है, यानी कि एयर स्पेस जो होता है वो कम होने की वजह से क्या होता है, वाटर लोड कंडीशन होने की वजह से वहाँ पे एयर जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, वहाँ पे क्या बन जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो उस वजह से क्या होगा, तो सोइल के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी जब उसकी मेच्योरिटी होती है या फिर उसकी ग्रोथ होती है पोटैटो की, तो उस टाइम में भी क्या होता है, ब्लैक हार्ट जैसी डिजीज आ जाती है। उस टाइम इन्फेक्शन कम होता है या फिर उसमें कम दिखाई देता है, फिर बाद में कहाँ चला जाता है, स्टोरेज में, तो उसकी आगे की आगे ग्रोथ बढ़ती जाती है, यानी कि उसके स्ट्रक्चर बिगड़ती जाती है। स्टोरेज डिजीज है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पुअर ऑक्सीजन रिलेशन। पुअर ऑक्सीजन रिलेशन मतलब उसके अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन की कमी, सीधा सा बोलेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी की वजह से डिजीज होती है वो क्या होती है, ब्लैक हार्ट डिजीज होती है। पहले चीज़ तो ये कि ऑक्सीजन की कमी पहला फैक्टर सही तो इसी मानते हैं। ठीक है, दूसरा टेम्परेचर इसके साथ में फैक्टर काम करता है दूसरा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ऑल्सो अगर वेन टेम्परेचर गोज अबो 32, अगर फॉर्मेशन है उसमें ट्यूबर की ग्रोथ के टाइम में अगर 32 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर चला जाता है तो उस टाइम में भी क्या हो जाता है, ब्लैक हार्ट डिजीज हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो, देखो सिम्टम्स में मेन चीज़ क्या होगा, फर्स्ट विजिबल जो होगा वो सेंटर में डेवलप होगा, जो पोटैटो जो होता है उसके सेंटर के अंदर सिम्टम्स दिखाई देगा। उसके बाद में क्या होगा, सेंटर ऑफ द अफेक्टेड टिश्यू डार्क ग्रे, डार्क ग्रे मतलब काले रंग का धब्बा बनेगा, उसका जो सेंटर होगा वो काले रंग का बन जाएगा, पहला सिम्टम तो ये होगा, या फिर ब्लैक इन कलर होगा
और क्या होगा, इरेगुलर। इरेगुलर मतलब ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा जैसे उसमें चौकोर दिखाई देगा या फिर उसमें गोलाकार दिखाई देगा। इरेगुलर का मतलब टूटा फूटा सब जगह से किसी भी प्रकार का। इरेगुलर मतलब अव्यवस्थित स्ट्रक्चर दिखाई देगी, काले रंग का धब्बा बीच के अंदर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेटिंग नेक्रोसिस, नेक्रोसिस का मतलब क्या बताता है वो, कि डेड ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू, क्योंकि उसका अंदर का जो टिश्यू होगा वो पूरा का पूरा सड़ने लग जाएगा, डेथ होने की वजह से उसका कलर चेंज हो जाएगा और वहीं से उसका काले रंग का धब्बा दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। डार्कन एरिया आर फर्म, जो डार्कन एरिया जो दिखाई देगा पहले तो वो क्या होगा, बिल्कुल टाइट होगा, ऐसे दबाने से भी नहीं दबेगा, मतलब कॉम्पैक्ट ऐसे होगा। और जब उसको स्टोर में ले जाते हैं, जब स्टोरेज कंडीशन में चला जाता है, तो वो बिल्कुल क्या हो जाता है, अंदर का भाग सॉफ्ट हो जाता है और वो खोखला जो पूरा का पूरा भाग होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अफेक्टेड टिश्यू जो होगा ड्राई आउट, अंदर का भाग होगा धीरे धीरे सूख जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा पूरा का पूरा भाग अंदर का, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कैविटी इन सेंटर, जो क्या बना देगी, परिणाम स्वरूप जो पोटैटो होगा उसके अंदर क्या बना देगी, एक खोखला भाग बना देगी या कैविटी बना देगी, ठीक है। लेटर स्टेज में क्या होगा, सरफेस एरिया यानी कि उसकी सरफेस पे अंदर का जो इन्फेक्शन होता है वो ऊपर की सतह पर भी दिखाई देने लग जाता है, तो उस वजह से जो क्या होगा, पोटैटो के अंदर क्या होगा, डार्क सनकन पैचेस बन जाते हैं, उसके अंदर क्या बनेंगे, ऊपर ऐसे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं पोटैटो के ऊपर सरफेस के, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, इसमें मैनेजमेंट, ठीक है, कारण इसका देख लिया। मैनेजमेंट के अंदर क्या होगा, देखो पहली चीज़ इसमें दो तीन फैक्टर काम करते हैं, मेन कोज क्या मानते हैं, देखो कॉम्पैक्ट सोइल, अगर हार्ड सोइल है कॉम्पैक्ट सोइल के अंदर पोटैटो के अंदर ब्लैकआउट के चांसेज रहते हैं, क्योंकि उसके अंदर एयर की सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ से डिजीज़ का डेवलप होना शुरू हो जाता है, ठीक है। प्रोलॉन्ग हॉट और ड्राउट पीरियड, सूखा रहना, सोइल लंबे टाइम तक सूखी रहनी और हाई टेम्परेचर रहना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फ्लडेड और सेचूरेटेड सोइल, फ्लडेड इरीगेशन की वजह से, फ्लडिंग तो करते ही है पोटैटो के अंदर इरीगेशन में, और सेचूरेटेड सोइल मतलब पानी जब भरा रहेगा, जल भराव की स्थिति में सोइल के अंदर एयर की कमी हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एयर का जो स्पेस होता है उसमें पानी भर जाता है तो एयर बाहर निकल जाती है, तो उस जगह पे क्या होगा, एयर की कमी की वजह से वहाँ पे मैच्योरिटी के टाइम में या फिर ट्यूबर फॉर्मेशन के टाइम में वहाँ पे इसमें डिजीज शुरू हो जाएगी, ठीक है। लो कैल्शियम मिनरल, कैल्शियम की कमी की वजह से या फिर कैल्शियम की कमी होने की वजह से भी इसमें ये कैल्शियम का भी को फैक्टर काम करता है इसके अंदर डिजीज डेवलपमेंट में, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होगा, मैनेजमेंट में क्या देखना है अपने, टाइमली एंड प्रॉपर इरीगेशन एंड फ्लडिंग, जो इसके अंदर फ्लडिंग या फिर इरीगेशन करते हैं वो टाइमली और प्रॉपर होना चाहिए, ना ज़्यादा ड्राउट कंडीशन होनी चाहिए और ना उसके अंदर ऐसे जल भराव की स्थिति होनी चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कैल्शियम रिच फर्टिलाइजर, जिप्सम और लाइमस्टोन, ये दोनों इसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो जिप्सम और लाइमस्टोन अपने यूज करना चाहिए बुआई से पहले। मेंटेन मॉडरेट टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज, स्टोरेज के टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, 0 डिग्री तक का टेम्परेचर होता है तो उस टाइम में भी इसमें डिजीज होने के चांसेज, डिसऑर्डर होने के चांसेज रहते हैं ब्लैक आउट के, और इसमें टेम्परेचर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, जो इसका स्टोरेज टेम्परेचर होता है उसके प्लस माइनस 2, यानी कि 2 कम या 2 ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा, इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में क्या, मेंटेन एडिक्वेट वेंटिलेशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, स्टोरेज के टाइम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, ऑक्सीजन की कमी नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद में क्या होगा, डू नॉट डिले हार्वेस्टिंग और अवॉइड हार्वेस्टिंग एट एक्सट्रीमली अराउंड 30 डिग्री, यानी कि हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है डिले नहीं करना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, टाइमली इसकी हार्वेस्टिंग हो जानी चाहिए। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उस टाइम हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम में हाई टेम्परेचर की वजह से डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा, उसकी ट्यूबर पे पड़ेगा, ठीक है। एंड एक्सेसिवली लो टेम्परेचर, बिल्कुल कम टेम्परेचर भी नहीं होना चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम में, जो इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। हीट स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटी, हीट स्ट्रेस रेजिस्टेंस मतलब हीट का जो तापमान के प्रति प्रतिरोधी जो किस्म होती है उस प्रकार की अपने किस्म को ग्रो करना चाहिए, जैसे हार्ले ब्लैकवेल एक वेराइटी है जो कि हीट स्ट्रेस रेजिस्टेंट वेराइटी है, जो कि पोटैटो ब्लैक आर्ट के प्रति रेजिस्टेंस शो करेगी, ठीक है। तो ये था आज का अपना मेन मेन डिजीज हो गई, ये अपने एक बचेगा पोटैटो का गोल्डन निमेटोड, तो गोल्डन निमेटोड गोल्डन कलर का है तो गोल्डन निमेटोड होगा, ग्लोबोडेरा उसका तो एक सिम्टम और अपने याद करने वाली चीज़ रहेगा उसका खुद का नाम, जो अपने आने के चांसेस रहेंगे उसमें एक छोटा क्वेश्चन आएगा और एक उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो लेट ब्लाइट हो गया, लीफ रोल हो गया और ब्लैक आर्ट डिजीज हो गई, अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपने इसका
गोल्डन निमेटोड। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।